हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पूरे मन से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा से अच्छा आ सके, बहुत ही अच्छा आ सके। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, यानी दो क्वेश्चन में इस वीडियो में सोल्व करूंगा। यदि आपका चैप्टर 13 का यानी 13 यानी वेरिएशन का यदि आप 10 और 11 क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो जरूर ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बस आप ही के लिए है। यदि आप समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसका नाम लिखा है चैप्टर 13 वेरिएशन, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजिली। इसके अलावा मैंने गोलक बेलन शंकु, ये जो आपका क्षेत्रमिति में इस बार के सिलेबस में आ रहा है 2021 का, उसका भी एकक सम्स मैंने सोल्व कर दिया है। यदि आपको नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखेंगे। और कोई भी सवाल अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है आप जाकर वीडियो को देखिए, पार्ट वाइज वीडियो बनाया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हर चैप्टर का, आप पार्ट वाइज वीडियो देखिए। एकक सम्स ऐसे से लेकर MCQ तक या कोई भी सम्स नहीं छोड़ा गया है। और इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 5 का भी सोल्व कर दिया हूं, 5.1 5.2 5.3 एकक सम से सोल्व किया गया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग जो हमारा सवाल है उसको सोल्व करते हैं। आप ध्यान से समझिए, बहुत इजी वे से मैं आपको बताऊंगा, एकक स्टेप को समझा समझा कर बताऊंगा, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं कि ये सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए, y दो चर के योग के साथ समान है। आप देखिए ये चर होता क्या है, देखिए चर जो होता है a b c d, ये जो भी लिखा रहता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर, यानी y खुद ही एक क्या है, चर है, ओके। तो चर आप समझ गए होंगे कि जो a b c d e f g h i j जो भी m p q r जो भी लिखा जाता है ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। मैथमेटिक्स में, गणित में इसको चर बोला जाता है। समान है जिसका एक एक्स चर के साथ, देखिए यहां पर एक्स है इसको चर लिखा है, एक्स चर के साथ सरल समानुपाती एवं दूसरे का एक्स चर के साथ व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है इनवर्स यानी विलोम समानुपाती हो, एक्स बराबर 1 होने से वाई बराबर -1 एवं एक्स बराबर 3 होने से वाई बराबर 5, तो x और y में संबंध ज्ञात करो, ठीक है। सवाल आप पढ़ लिए होंगे, एक से दो बार और सवाल पढ़िए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके। चलिए, हम सबसे पहले लिखा हुआ है कि y दो चर के योगफल के समान है, y जो है दो चर के योगफल के समान है, यानी सबसे पहले हमें चर मानना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया कि माना दो चर क्रमशः, माना दो चर क्रमशः m और एवं n है, मैंने दो चर क्या मान लिया, m और n, ओके। तो ये जो हमारा पहला बोला जा रहा है कि y दो चर के साथ दो चर के योगफल के समान है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y बराबर m प्लस n, यानी ये दो चर है हमारा, इसके योगफल के ये समान है और ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरे स्टेप में क्या बोला है कि जिसका एक एक्स चर के साथ सरल संबंध, यानी डायरेक्ट वेरिएशन में है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर, अगर मैं इसको पहला मान लूं और ये दूसरा हो गया, तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या लिख दिए, एम लिख दिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ आर, यानी एक्स या प्रोपोर्शनल का चिन्ह किसमें बदल जाता है, बराबर में, यहाँ पे के मैंने एक कॉन्स्टेंट मान लिया K1 और M, मानी ये क्या हो गया, चूंकि K1 इक्वल टू वेरिएशन कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स बाई K1 हो गया, ठीक है, ये एक का मान आ गया। अब उसी तरह देखिए और दूसरा स्टेप में क्या बोला हमारा कि दूसरे का एक्स चर के साथ व्युत्क्रम संबंध है, कैसा संबंध है, व्युत्क्रम, तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये दूसरा मेरा एम हो जाएगा,
तो ओ एन हो जाएगा, सॉरी एन, वन बाई एन हो गया। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर के टू मान लिया इसका वेरिएशन कांस्टेंट में, ये क्या हो गया वन बाई एन, ठीक है। और चूंकि K2 इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो K के साथ 1 का गुणा है, तो अगर हम N का मान निकालें, इसको N होगा, देखो मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, ये N हुआ यहां पर। तो यदि हम N का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ओ आर दिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर k2 बाई n लिख सकते हैं। ये जो प्रोसेस है मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, आप इसे जरूर समझे होंगे कि ये k क्या है, वन के साथ गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये आपका x जो होगा नीचे आ जाएगा, यानी k2 बाई x आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस गुणा होता है ना, कि यानी यहां पर क्या है, यहां पर वन आ जा रहा है, तो वन ओवर के स्क्वायर के टू गुणा हो गया, क्या हो गया ये के टू यही तरह आ गया, और मैं एक्स को नीचे ला दिया और एम को ऐसे, देखिए ये क्रॉस होके हो जा रहा है। तो हमें एम ओवर एन का मान चाहिए था, तो यहाँ पर एम ओवर एन का मान आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि एम ओवर एन का मान, यानी जो हमारा एम ओवर एन का मान आया है, आप एम एन के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट लेटर है, चर राशि, आप उसे मानकर बना सकते हैं, मन से बनाना होगा लेकिन, ठीक है। तो इसमें मान हम पुट अप करेंगे, तो देखिए इसमें हम मान पुट अप कर देंगे समीकरण वन में, ठीक है। लिख सकते हैं एम ओवर एन का मान समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन में रखने पर एम ओवर एन का मान समीकरण वन में रखने पर, तो हमारा समीकरण वन क्या हो रहा है, देखिए y बराबर m प्लस क्या हो गया n, ओके। तो आप मान रखिए m का मान आप क्या लाए थे, देखिए m का मान लाए थे x बाई के वन, आप प्लस n का मान आप क्या लाए हो k2 बाई क्या लाए हो आप x लाए हो, ओके। तो इतना दूर तक आप नोट कीजिए, अब इसके हम अगले स्टेप पर चलते हैं। हो गया, अब ये जो हो गया ये आप दो नंबर समीकरण कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यदि इतना दूर तक आप समझ गए हैं तो बस ये सवाल आपके चुटकी बजाने से सोल्व होगा, और इस अगर ये एग्जाम में आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका नंबर आपके पॉकेट में होगा, ठीक है। देखिए अब हमें करना क्या है कि देखिए एक्स बराबर यहां पर क्या लिखा है, एक्स बराबर वन और y बराबर माइनस वन, अब इसका मान इस समीकरण में पुट अप कर देना है। तो हमारा देखिए यहां पर क्या है, y बराबर x बाई के वन प्लस k2 बाई क्या हो जाएगा x, इसका मान हम क्या करते हैं पुट अप करते हैं, ये x का मान यहां पर वन लिख दीजिए, वन बाई के वन प्लस k2, और सॉरी यहां पर y का भी मान था, तो यहां पर भी आपको रखना होगा माइनस वन, ये y का मान, और यहां पर x का मान फिर आप क्या रख दीजिएगा वन, ठीक है, ओ आर दीजिए, यहां पर भी ओ आर होगा दे दीजिएगा, माइनस वन बराबर इसका लॉसा होगा, यानी k1 और 1 का लॉसा क्या हो जाएगा k1 होगा सिर्फ लॉसा, ठीक है। तो k1, तो k1 से k1 कट गया, मैंने बचा कि आपका वन, और यहां से वन से के वन मैंने के वन दान में कटा, और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये आप गुणा करके के थ्री मत लिख दीजिएगा, ठीक है, गुणा करके यहाँ पे टू ओवर वन जोड़ के थ्री नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा के वन के टू, क्योंकि ये दोनों एक राशि नहीं है, के वन और के टू दोनों एक राशि नहीं है, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे ए और बी को हम गुणा करते हैं तो क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग ही है, क्योंकि ये दोनों एक राशि नहीं होता है। तो आप इसे जरूर समझ रहे होंगे, इतना आया। अब इसको अगर हम क्रॉस गुणा करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के वन बराबर वन प्लस के वन के टू हो गया, ठीक है। तो इतना दूर तक आप नोट डाउन कीजिए, अब इसके हम अगले स्टेप पर एवन के टू को एक तरफ रखेंगे, जो एक राशि जैसा मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, उसको एक साथ रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी के वन और ये उधर ही है, ये उसी साइड में है, प्लस ये क्या हो जाएगा के वन
के टू बराबर, ये जब इधर आ गए ये किधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। ये सभी ने अपना क्या कर दिया, साइड चेंज कर दिया, ये इधर आ गया और ये कहां चला गया, इधर चला गया। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा जो समीकरण मिला, ये तीन नंबर समीकरण मिल गया है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि फिर देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है, थ्री, और y बराबर क्या है आपका, y बराबर फाइव, ये मान है। अब इस मान को भी हम कहां पर बैठाएंगे, समीकरण वन में बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण वन था कि ये कौन सा समीकरण था हमारा निकला हुआ था, ये आई थिंक समीकरण टू था, ठीक है, ये समीकरण टू था। तो हम इसका मान भी क्या करेंगे, समीकरण टू में पुट अप करेंगे। तो समीकरण टू हमारा क्या आया है, वाई बराबर एक्स के वन प्लस देखिए के टू बाई, यहां पर क्या हो गया, एक्स हो गया, यानी मैंने बराबर दिया। ये जो x हो रहा है, x का मान अभी आपका कितना मिला हुआ है, y का मान पहले देख लीजिए, y का मान आपका 5 मिल गया है, वो बात कीजिए, और यहाँ पर x का मान कितना मिला हुआ है, 3, और ये k1 और प्लस यहाँ पे k2 मैंने लिखा, और x का मान आपका कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, फिर मैंने ओआर किया 5 लिखा बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 3k1 हो जाएगा, ओके। तो k1 से k1 कट गया, 3 बचा सिर्फ, तो 3 को 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस ये 3 से 3 कट गया, k1 बचा, तो k1 और k2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, k1 और यहां पे क्या हो गया, k2 हो गया, ओके। अब इसको क्रॉस गुणा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ओआर मैंने किया, क्रॉस गुणा हुआ यानी 5 और 3 गुणा हुआ ऐसे, यानी 15, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 15 के वन, और ये बराबर क्या हो गया, 9 और प्लस के वन के टू, फिर वो आर। अब देखिए इस के वन के टू को मैं इधर ला दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 के वन ये माइनस के वन के टू बराबर ये क्या हो गया, 9, और ये कितना नंबर समीकरण हो गया, 4 नंबर समीकरण बना, कितना नंबर समीकरण ये बना हुआ है, 4 नंबर समीकरण ये बन गया, मैं इसको इधर ला दिया, ओके। तो अब हमें करना क्या है, सवाल थोड़ा लग रहा है कि बड़ा है लेकिन बहुत इजी है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल को देखा हूं कि ये रिपीटेड भी है, एग्जाम में आ सकता है ये सवाल, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से आप कीजिए, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन स्टेप वाइज आपको बनाते हुए जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स का मान वन, वाई का मान माइनस वन लिखा, ये मान निकाल दिया और हमारा जो समीकरण नंबर 3 मिला था, फिर यहाँ पे देख देख कर ही उतारना है ना सिर्फ। अब देखिए एक्स का मान यहाँ पर क्या था, 3, और वाई का मान क्या है, 5, तो इसको 3 और 5 यानी समीकरण 2 में रख के मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा 4 नंबर मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 3 और 4 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, यहां से आपका मान एक निकले। तो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हूं ये समीकरण मेरा क्या है, 3 है, ये जो हमारा 3 नंबर समीकरण था इसको मैंने लिखा, और ये जो हमारा 4 नंबर समीकरण था इसको मैंने लिखा, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर समीकरण, 4 नंबर समीकरण, और दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए क्या हमें मिल रहा है कि ये दोनों माइनस और प्लस में है, तो ये कट गया, तो मेरा ये क्या बचा, दोनों को जोड़िएगा तो 16 के का पावर क्या आ गया, 1 बराबर, और ये दोनों अगर जुटेगा तो ये देखिए प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या मेरा मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यानी 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, प्लस का 8 क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ठीक है। अब चलिए इसको ओवर कर लेते हैं, के वन बराबर 8 बाई क्या हो गया, 16, यानी एक करके क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है, यानी के वन का मान मेरा 1/2 आ गया। अब हमें के टू का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, के टू का मान, तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं, आप इतना दूर तक नोट डाउन कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, के टू का मान निकालेंगे, तो के टू का मान निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि जो के वन का हमारा मान आया था 1/2, उसको मैं समीकरण 3 में रख दूंगा रखने पर। तो ये देखिए ये समीकरण 3 था, मैंने लिख दिया इसको, ये आप जानते ही है।
अब इसको वो आर किया, के वन का मान आपका क्या आया था, 1/2 आया था, फिर प्लस यहां पर भी के वन है, कुछ नहीं करना है, 1/2 लिख देना है, ये के टू हो गया बराबर -1। अब जो जो एक राशि उसको एक तरफ कीजिए तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू इसको चलिए के टू लिख दीजिए, सुविधा होगा आपके लिए, या डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखो, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। चलिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, के टू बाई क्या हो गया 2 इक्वल टू, ये जब इधर गया तो -1 -1/2, क्योंकि ये है प्लस में, जब ये बराबर के उधर जाएगा साइड चेंज करेगा तो अपना चिन्ह भी बदलेगा, बन जाएगा माइनस, तो ये प्लस का तो बन गया माइनस। फिर और के टू बाई टू बराबर इसका लॉसा कर दीजिए, 2 लॉसा होगा इसका, यानी -2, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, यानी ओ आर आपका बचा के टू बाई टू इक्वल टू ये -3/2 क्या हो गया 2। आप जानते हैं कि जो समीकरण होता है और समीकरण में जो संख्याएं ऊपर नीचे अगर मिलती है सेम टू सेम तो हम उसे काट देते हैं, हम उसे क्या करते हैं काट देते हैं, उसी तरह काट देंगे 2 से 2 को और मेरा बचेगा क्या K2 -3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा K2 का मान आ गया -3 और K1 का मान क्या आया था 1/2। अब बस हमें करना क्या है कि इन दोनों मानों को समीकरण 2 में पुट अप कर देना है और वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा कि दोनों में x और y में कैसा संबंध हो रहा है वो दिख जाएगा। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ सवाल थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन आप समझ भी तो रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक एकदम कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए लाइक। तो चलिए अब चलते हैं उस सवाल को कंप्लीट करने के कगार में पहुंच गए हैं, एक बार मुस्कुरा दीजिए, बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, आपका सवाल कंप्लीट होने वाला है। देखिए y, ये जो हमारा समीकरण 2 था, मैंने लिखा K1 का मान 1/2 एवं K2 का मान जो है -3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको ऐसा मैं बनाया था, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर किए होंगे, आप देख लीजिए समीकरण 2 को। अब बस मान पुट अप कर लीजिए और संबंध दिखा दीजिए कि ये x और y में कैसा संबंध है। तो चलिए यहां पर मैंने x लिखा, K1 का मान मेरा क्या आया है 1/2 आया है, प्लस K2 का मान क्या आया है -3 आया है, बाई x आ गया, ओके यानी ओ आर। अब ये y बराबर, ये तो आप जानते हैं कि चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा x घूरे ये ऊपर जाएगा, तो यानी 2/ क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप प्लस और माइनस गुणा कर दीजिए ना इसको, ये दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, हम 3 लिख सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगा x, यानी ये माइनस हो जाएगा ये दोनों गुणा होकर, यानी ओवर y बराबर क्या हो गया 2x/1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे में कोई जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा अच्छे से साफ कीजिए, यहां पर माइनस था यानी ये माइनस क्या हो गया 3/x, यही संबंध हो गया कि ये आपका फाइनली दोनों में संबंध हो गया x और y में, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, आप ये सवाल समझ गए होंगे। तो अपना जा रहा हूं, एक जादू दिखाऊंगा आपको अपने ड्रेस को चेंज करने, ये चुटकी बजा करिए, बजा मेरा चुटकी और ये चेंज हो, मेरा ड्रेस बदल गया, बिल्कुल पहले व्हाइट था, क्या हो गया है अब रेड 11 पर, और कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि सर हमारा नाम क्यों नहीं बोले, बहुत इंतजार करते हैं मुझे पता है, नहीं अब आप ही का नाम मैं बोलने जा रहा हूं, आपका नाम ऐसे लिखा भी गया है। देखिए जो मेरे पिछले वीडियो का क्वेश्चन था और उसका सही जवाब था मंगल पांडे, मंगल पांडे ही वो सूरवीर थे जिन्होंने सबसे पहले बैरकपुर में 1857 के समय में क्रांति का आगाज कर दिया था, और सबसे पहला जवाब आया दीपाली के तरफ से, और दूसरे नंबर पे एक नया नाम मुझे मिला है रेशमिता का, और 3 नंबर पे जवाब रहा चांदनी का। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आज का मैंने इस वीडियो का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, प्रश्न पूछने जा रहा हूं, और ये प्रश्न है आपका हिंदी से, मैं हिंदी व्याकरण आपको इस चैनल पे पढ़ा दिया हूं, जो आपके इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कारक समास और वाक्य, ये तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आप वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। आज का सवाल देखिए जो हमारे हिंदी व्याकरण से ही है, कारक के कितने भेद होते हैं,
आपको कमेंट करके बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो चलिए ये तो प्रश्न हो गया, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 को देख लेते हैं कि 11 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है और इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए तो ये क्या हो जा रहा है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, होने से दिखाए कि ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी सी, और यहां पे लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए ये बहुत इजीली कैसे सोल्व हो रहा है। मैं लिख सकता हूं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी दिया है, मैंने ओ आर किया, ए बना ये बराबर में बदला के और बी, यानी के चूंकि के ये क्या हो गया, वेरिएशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर, ये प्रोपोर्शनल का साइन किस में बदल जाता है, बराबर में, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इसके जगह पे मैंने मान लिया P और C, चूंकि P इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा A का मान क्या दिया हुआ है, A बराबर देखिए आया है K बाय B आया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इस B वाले मान को इसमें पुट अप कर देना है क्योंकि यहाँ पर B है। आप इस तरह के जो सम्स था चैप्टर नंबर 5.3 में जरूर देखे होंगे कि जहां पर अगर मान मिलता था, मैच मान करता था, तो हम लोग मान पुट अप कर देते थे, ये बी का मान पीसी लिखा हुआ है, बस हम ये बी के जगह पे यानी के लिख दिया, डॉट दे दिया और पीसी लिख दिया, ये किसका मान पुट अप किया, ये बी का मान। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, ओ आर ए बराबर मेरा फाइनली मिल गया के पी सी, तो ये हमारा ए का मान हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी है। मैं यहाँ पर के और पी के लिए एक और कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, ओ आर मैंने ए बराबर ये लिख दिया, मैंने डी सी लिख दिया, ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए कि के पी बराबर क्या मान लिया है मैंने, डी, जो क्या है एक वेरियस कांस्टेंट है, यानी के पी के जगह पर मैंने डी मान लिया और ये डी सी लिख दिया। अब देखिए ए का मान क्या आ गया, डी सी, और बी का मान क्या आ गया, पी सी आ गया, और आपको कुछ नहीं करना है, इस मान को इसमें बस पुट अप कर देना है। चलिए मैं यहां पर इसको सोल्व करता हूं, आगे क्या मान दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये मुझे वीडियो को स्टॉप करके बनाना पड़ेगा और कैमरा बहुत वक्त लग जाएगा, लंबा हो जाएगा, मैं फिर आपको समझा दूंगा, ओके। तो मुझे कैमरा को क्या करना होगा, ऑफ कैमरा करना होगा, कर लेगा। देखिए हमारा ए का मान क्या दिया हुआ है, डी और सी मैंने निकाल लिया हूं, और बी का मान क्या है, पी सी। तो देखिए मैंने ये सवाल लिखा था जो ये वाला था, ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए ए क्यू, ए क्यू का मान आपका क्या दिया हुआ था, ए का मान हमारा था डी और सी, सॉरी पहले इसको मैंने बटा कर दिया, ये प्रोपोर्शनल में है, समानुपाती में है, तो ये बटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बटा कर दिया, बटा करने के बाद ये इसके बटा में आ गया, इधर वाला जो पोर्शन था, जो भाग था। अब देखिए ए का मान क्या दिया हुआ है, डीसी, तो डीसी लिखकर इसका क्यू कर दिया, बी का मान हमारा पीसी लिखा हुआ है, डी का मान पीसी, तो ये पीसी लिखकर इसका क्यू कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह ये वाला, फिर बी का मान पीसी, क्यू लिखा गया, सी का मान जो क्यू था क्यू, सी का मान तो कुछ है नहीं, तो इसी तरह लिखा गया, फिर प्लस सी का मान कुछ नहीं है, क्यू लिखा गया, और ए का मान जो डीसी क्यू है, तो वो बस क्यू लिख दिया गया। नीचे वाला में भी मान रखा गया, ए का मान डीसी, डी का मान पीसी, ये सब गुणा में है, और सी का कोई मान नहीं है, इसी तरह रखा गया। ये मझला ब्रैकेट बनाकर फिर छोटा ब्रैकेट दिया, ए का मान डीसी का क्यू प्लस बी का मान पीसी का क्यू और सी क्यू लिख दिया गया, बस पोस्ट बंद। अब चलिए इसको पोस्ट से बाहर निकाला गया है, तो डीसी का क्यू क्या हो जाएगा, देखिए डी क्यू सी क्यू गुणे, ये दोनों में गुणा का संबंध हो रहा है, तो पी क्यू सी क्यू, फिर प्लस डी
टी क्यू सी क्यू, ये तो बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे, इंटू सी क्यू, अब फिर प्लस सी क्यू और इंटू ये डी क्यू सी क्यू हो गया। अब इसमें देखिए इन सबको मैंने गुणा किया नीचे में, तो सी कितना हो जा रहा है, एक दो तीन, यानी सी का पावर थ्री, डी और पी का मान इसी तरह रहा, और इसको भी मैंने बाहर निकाला कोष्ट से, तो ये डी थ्री सी, डी का पावर थ्री सी का पावर थ्री प्लस टी का पावर थ्री सी का पावर थ्री प्लस सी का पावर क्या हो गया थ्री, कोष्ट बंद हो गया। अब देखिए इसको और इन दोनों को आपस में गुणा किया गया, इसमें डी कितना दिख रहा है, एक ही डी है, सी कितना हो जा रहा है छह, को देखिए यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, आप जानते हैं कि गुणा करते समय पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है, जो चर राशि मैच करती है, तो सी सी दोनों क्या है, एक चर राशि है, इनका पावर जुट के क्या हो जाएगा सिक्स, और पी थ्री उसी तरह प्लस का साइन हुआ, पी थ्री हुआ और सी यहाँ पर भी सिक्स हो गया क्योंकि थ्री थ्री है, फिर प्लस का साइन, सी का पावर सिक्स हो गया क्योंकि थ्री थ्री और डी का पावर थ्री, और यहां से देखिए मुझे कॉमन दिख रहा था, कॉमन क्या दिख रहा था, सी थ्री, तो मैंने सी थ्री एक कॉमन ले लिया, ऊपर वाले में भी कॉमन एक मिलेगा, मैं दूसरे लाइन में ले लूंगा, लेकिन यहां पर मैंने ये नीचे वाले में कॉमन ले लिया, सी थ्री कॉमन आ गया, तो बचा क्या मेरा डी थ्री प्लस पी थ्री प्लस वन बचा, ठीक है। तो इतना दूर तक आप जरूर समझे होंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए, और देखिए ऊपर वाले में भी मुझे कॉमन मिल रहा है, तो बस मैं कॉमन ले लूंगा उसको, ठीक है। तो देखिए हम कॉमन क्या ले लेंगे ऊपर वाले से, देखिए इन सब में मुझे कॉमन दिख रहा है सी का पावर सिक्स, कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है सी का पावर सिक्स, अगर कॉमन आ जा रहा है तो क्या बचेगा डी थ्री, अब पी का पावर क्या हो गया थ्री, ओके, डी का पावर थ्री पी का पावर थ्री प्लस पी का पावर थ्री, और यहाँ पे के सिक्स, तो सी सिक्स कॉमन आ गया है, तो ये तो इसी तरह हट गया, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा डी का पावर एक थ्री बचेगा, ओके। और नीचे में हमारा जो हुआ उसको भी कर लेते हैं, ये दोनों आपस में गुणा कर दीजिए, सी थ्री मतलब सी का पावर थ्री और सी का पावर थ्री गुणा होकर क्या हो जाएगा डी पी, और सी का पावर क्या हो गया सिक्स, अब पोस्ट में हमारा क्या बचा है डी थ्री प्लस पी का पावर थ्री, अब प्लस क्या बचा हुआ है वन, तो ये इससे क्या हुआ कट गया, तो ये हमारा फाइनली क्या बचा सिर्फ डी थ्री, और ये क्या हो गया पी थ्री प्लस पी थ्री, अब प्लस क्या हो गया डी थ्री, अब भाई ये क्या हो जाएगा डी थ्री, अब पोस्ट में डी थ्री और क्या हो गया पी थ्री, अब प्लस क्या हो गया वन, ये जो है ये सारा कांस्टेंट है, ये सब क्या है सारा कांस्टेंट है, इस तरह के सवाल आप पहले भी बना दिए हो, ये स्थिरांक है, ये क्या है इतना बराबर मैं स्थिरांक कर सकता हूं, तो जब ये स्थिरांक हो गया, ये स्थिरांक आ गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, जो यही बोला था कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो होगा, हम लिख सकते हैं हम ए क्यू बी क्यू फिर प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, ठीक है, ये कोष्ट बंद किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, ये सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं लिख दूंगा, काफी वीडियो बनाने में मेहनत होता है, एक लाइक कीजिए जरूर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए बी सी, अब कोष्ट में क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या हो गया सी क्यू हो गया, ओके, यही हम लिख देंगे प्रूफ, और यहीं पर आपका 11 नंबर सवाल भी हो जाता है कंप्लीट, तो आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, तैयारी अपना अच्छे से कीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आपको मिल सके, आप मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।